भाई कुछ नयापन तो है नहीं मेरे हिसाब से, तो उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया, क्योंकि जो स्कीमें हमारी लागू है ऑलरेडी या लागू होने में गारंटी दी है उसी को घुमा फिरा के लिखा गया है। बहुत ही निराश किया जनता को भी, और कोई दम नहीं मैनिफेस्टो के अंदर, इसलिए मैंने कहा होमवर्क कम क्या दिखता है। ये 450 में सिलेंडर पे आ गए हैं सर, तो केंद्र सरकार को भी आना चाहिए। हमारे दबाव में केंद्र सरकार ने 200 रुपये कम किए पहले, अब ये 450 की बात कर रहे हैं। 450 मध्य प्रदेश में किए गए हैं, पर अब हम जो गारंटी दे रहे हैं उसमें इनका मकसद तो उज्ज्वला वालों के हैं, हम उससे आगे बढ़ गए हैं। अब जो नई गारंटी हमने दी है उसके अंदर हमने कहा उज्ज्वला के अलावा भी उसमें जो एनएफएसए में लोग हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, उन सब मिला के 1,05,00,000 लोगों को हम देंगे 500 रुपये वापस। और ये पीछे पीछे चल रहे हैं अभी तक भी, ये कह रहे हैं कि अभी उज्ज्वला वालों को दे रहे हैं हम लोग। तो मेरा मतलब कि ये जो है इनका होमवर्क ठीक नहीं है, और सारा पॉइंट में देखे इनके सारे पॉइंटों के अंदर कोई दम नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। सर आपकी प्रियंका गांधी जी हैं वो मैनिफेस्ट, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो उस पर भारी पड़ेगी जो साथ आपकी कांग्रेस की गारंटी है। बिल्कुल, हमारा तो मैनिफेस्टो भारी पड़ेगा, हम खुद ही भारी पड़ रहे हैं, और ये खाली इनके पास आरोप लगाने कुछ नहीं है। इनके आरोपों का क्या जवाब दे रहे हैं ये, अपने जिन राज्यों से आ रहे मुख्यमंत्री योगी साहब, अभी 10 दिन पहले वहां बीएचयू के अंदर बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कों ने जाके लड़की को एक तरफ ले गए, पूरे कपड़े उतार दिए उसके, छेड़छाड़ करी, जो प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी जी खुद की लोकसभा क्षेत्र है, अभी 10 दिन पहले घटना है, उस पर नहीं बोलेंगे ये लोग। जितना वहां पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे वो यूपी हो, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगर इक्का दुक्का घटनाएं हुई है तो होती है, सब जगह हुई है, मैं स्वीकार करता हूं, पर हमने कार्रवाई की है ना, ज्यादा घटना हुई है। एकमात्र रिकॉर्ड बनाया राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमने थाने के अंदर भी कंपल्सरी कर रखी FIR को। ये बड़ी 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 बड़ा फैसला, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, भगा देते थे थानों से, लोग जाते कोर्ट के अंदर, कोर्ट फिर आदेश देता 156(3) के अंतर्गत कि पुलिस जांच करे। अब वो संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि कंपल्सरी कर दिया तो थानों के अंदर ही होने लगे FIR दर्ज होने लगे। ये अपना बड़ा पॉइंट है, किस राज्य ने यह काम किया है, इसलिए इनकी बातों में कोई दम नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।